हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल अमित बड़ो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, KTM 390 एडवेंचर का अपडेटेड 2024 मॉडल लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि कौन कौन से अपडेट किए हैं KTM कंपनी ने, इसी के साथ में दोस्तों प्राइस कितना इंक्रीज़ किया है, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मोस्टली कलर ऑप्शन का जो अपडेट किया गया है दोस्तों, इसमें अब आपको दो नए कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट, इसमें आपको वाइट कलर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि ग्रे ग्राफिक्स के साथ में देखने को मिल जाएगा, देखने के मामले में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सेकंड, इसमें आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा ऑरेंज कलर के साथ में, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों। इसी के साथ में इसके मीटर कंसोल के बारे में बात करी जाए तो वही आपको TFT कलरफुल डिस्प्ले मिलने वाला है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। इसी के साथ में इसका प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, इसका प्राइस लगभग 2000 से 2500 के बीच में इंक्रीज़ हुआ है। अब इसका जो दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 3,38,000 रुपये देखने को मिल जाएगा एक्स शोरूम। इसी के साथ में इसके इंजन के बात करें तो दोस्तों, 373.2 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जिसकी पावर 43 BHP तक की देखने को मिल जाएगी। बाकी लाइटिंग सेटअप पूरा आपको LED में ही देखने को मिलेगा, सेम वही वहीं पे ये गाड़ी 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आने वाली है, जिसमें कि आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में USB चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, फ्रंट में आपको WP के अपेक्स USD फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको रियर के अंदर WP के अपेक्स मोनोसोक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको सारे अपडेट के बारे में बता दिया है। मोस्टली इसमें कलर का अपडेट हुआ है और प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 2000 से लेकर 2500 रुपये के बीच में। तो दोस्तों, यही था इसके अपडेट। बाकी इसमें फीचर्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सेम फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं, सेम लाइटिंग सेटअप वगैरह, इंजन वगैरह सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।